जयंत तटकरे साहब यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी मैं जरूर स्वागत करना चाहूंगा। जयंत तटकरे जो हमेशा हमारे ऊपर खुश रहते हैं, लेकिन इस साल थोड़े से नाराज नजर आ रहे हैं, बंडल लेके नहीं आए शायद। तहसील भाई साहब ने क्या गेंदबाजी की थी, अजय मराजगे ने, मिस्टर अनस्टॉपेबल। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद हो रही है, लेकिन देखिए जैसी गेंद वैसा प्रहार, गेंद को खेला, मिड ऑन को चीरती हुई गेंद गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, चार रन, कुल टोटल पांच, बगैर नुकसान, तांबाडी प्लस चावड़ी। मुंडे हमेशा शांत स्वभाव रहता है उनका मैदान के ऊपर और मैदान के बाहर भी। हाँ, ये टिपिकल केतन मुंडे स्टाइल स्ट्रोक था, बिल्कुल सही कहा आपने सिद्धू, गाइड कर रहे हैं हमें, अच्छा लग रहा है। विनोद जाधव सर के साथ भी मुझे कमेंट्री करते हुए काफी मजा आया, कोई ना प्रीमियर लीग में काफी जोश में थे वो पिंपरी के, काफी जोश में थे। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे आने वाले दिनों में कई लीग आ रही है, 36वीं विभाग की भी लीग आ रही है। झड़पी प्रीमियर लीग आ रही है, वड़गांव झड़पी, पोजीशन पर चावड़े के बल्लेबाज संदेश पाटिल। देखिए बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रवीण के पास क्षमता है, संदेश के पास भी क्षमता है, टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मिस्टर अनस्टॉपेबल ने स्टॉप किया केतन मुंडे की अच्छी बल्लेबाजी को। वड़वड़ प्लस सावरोड़ी बनाम चावड़े प्लस तांबाडी, सीधे चौगले। देखिए इस गांव के पहले बाइकर मैन, स्कूटी जीती थी इन्हीं ने, इन्होंने मैन ऑफ द सीरीज के तौर पर, जिसे खोपोली क्रिकेट का वर्ल्ड कप माना जाता है, वीरेश्वर वर्षी खोपोली की प्रतियोगिता पिछले 2 सालों से कोविड की वजह से हुई नहीं है, इस साल होने की आशंका मुझे नजर आ रही है। तुषार धुमाल को शायद पता होगा कि ये वर्ल्ड कप वापस आ रहे हैं या नहीं। तो निश्चित तौर पर अगर वीरेश्वर वर्जी खोपोली की प्रतियोगिता होती है समीर जी मसूरकर द्वारा, तो एक नई सोच, तीन गांव एक टीम की नई सोच आ सकती है उस वर्ल्ड कप में। निखिल पाड़गे आ चुके, देखिए कल इन्होंने हमसे वादा किया था परसों, स्टेज के ऊपर कम से कम 50 वड़ा पाव उनके, और देखिए हमारे कॉमेंटेटर तुषार धुमाल का छोटा है इनका, लेकिन क्रिकेट में इन्होंने अपने इसी खेल के कारण काफी बड़ा ऊंचा कद हासिल किया है। हर्षद राइट आर्म राउंड द विकेट, और ये गेंद हवा में, बैक टू द बॉल, वहां पे रोहित पाड़गे, प्रवीण का कैच जरूर हर्षद के हाथों से छूटा था, लेकिन उस कैच को लपका रोहित पाड़गे ने। सन्माननीय पाहुणे राकेशजी पाटील चावणे, विद्यमान ग्राम पंचायत सदस्य, त्याचबरोबर सन्माननीय माजी ग्राम पंचायत सदस्य चावणे विश्वाजी पाटील साहेब यांनाही
विनंती असेल सामाजिक कार्यकर्ते सन्माननीय सुनील जी पाटील आणि सचिन जी पाटील यांना ही विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं। बहुत ही बढ़िया छक्का, लेकिन उसके बाद दूसरा छक्का लगातार मारने की कोशिश में विकेट खोया है। अब गेंदबाज आ चुके हैं वैभव मेहतर, ये सवरणी का गेंदबाज है, यानी कि अगला ओवर जो करेंगे वो वड़वड़ के गेंदबाज करेंगे। वैभव मेहतर तेज तर्रार रफ्तार का राजा, राइट आर्म ओवर द विकेट ये गेंदबाजी होगी। बिल्कुल सौरवी के हार्दिक पांड्या है, ये ऑलराउंडर है, बल्ले से भी काम चला लेते हैं, गेंदबाजी भी अच्छी कर लेते हैं। देखिए मैंने तारीफ क्या की, ये फुल टॉस किया, थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर चार रन, और इन चार रनों के साथ देखिए अंपायर ने कहा भाई हम देखना चाहते हैं बीमर है कि नहीं। चलिए तीसरे अंपायर स्क्रीन पे आइए, देखिए क्या है फेयर अनफेयर। वड़वड़ प्लस सौरोड़ी, जिस कप्तान ने टॉस जीता अजय मरासके ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जब तक अंपायर अपना फैसला सुनाए तब तक हम चलेंगे। तो सात रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर, अगली गेंद होगी फ्रीट, पांच रन बाउंड्री गई थी, माफी चाहूंगा बाउंड्री गई थी। मैं देख रहा था कि दत्ता तांबड़े साहब कितने क्लोजली मैच को देख रहे हैं, कभी कभी ऐसा देखने का मौका भी मिलता है। युवा नेता देखिए अजिंक्य पाड़के भी यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे। इस फ्लेक्स के ऊपर हम उनके पिताजी की छवि भी देख रहे हैं। राइट आर्म ये वाइट बॉल आई, फ्री हिट जारी रहेगी, फ्री हिट घूमेगा अंपायर का हेलीकॉप्टर। स्ट्राइकर इन पर इस वक्त संदेश पाटिल, नरेश तलवी हमारे साथ स्कोरर है, छोटा पैक बड़ा धमाका जिन्हें हम कहते हैं फ्रीड है, ये फ्रीड एक रन तो जरूर मिलेगा, क्या मिलेगा दूसरा, लेकिन एक ही रन, और इस एक रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई। नरेश तलवी का स्कोर कार्ड ये कह रहा है कि चावड़े प्लस तांबाटी खेल रही है ओवर नंबर तीसरे में 24 पर। संदीप पाटिल एसपी एंटरप्राइजेस चिमालक चावणे यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं, इथे मात्र चांगला चेंडू टाकला जाणार की काय, पण पंचांचा इशारा येतोय स्वैर। तो शुभम वालेकर यहां पर आ चुके हैं, उनका भी हम जरूर स्वागत करना चाहेंगे। शिवराज थाली अकेले ने खाई, ये रिकॉर्ड है उनका, टीम का टोटल 25। रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं, बीच बीच में थोड़ा हंसी मजाक भी अच्छा है, लेकिन सामने राजा की भेड़ काफी अच्छी बनाई जा रही है। राइट आर्म राउंड द विकेट आए, शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से इस गेंद को राज घोषाल करने फील्ड करना चाहा, लेकिन गेंद ने रास्ता ना पा, फाइन लेग बाउंड्री के बाहर चार रन। वड़वड़ और प्लस सौरोड़ी टीम कागज पर तो मजबूत है, प्लेइंग 11 अगर हम उनके देखे तो कागज पे मजबूत है, लेकिन दूसरी तरफ तांबाटी प्लस सावड़े टीम इस साल काफी अच्छे फॉर्म में है, उनके पांच छह खिलाड़ी होंगे, और जो कप्तान है इस टीम के केतन मुंडे, वो जानते हैं कि टीम को किस तरह से टैकल करना है, टीम को किस तरह से हैंडल करना है। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, एक रन जरूर मिलेगा, और इससे पहले इस गेंद के ऊपर चार रन हासिल किए थे मयूर मुंडे तांबाटी का ये खिलाड़ी। देखिए रन अच्छे बन चुके हैं क्योंकि टोटल आ चुका है 30 रन। देखिए आज सौरवी के कई युवा उद्योग जगत में व्यस्त है अभी, लेकिन एक जमाना था रायगढ़ के कोने में, किसी भी कोने में नाइट मैच हो कम से कम 100 लोग आपको सौरवी के नजर आते थे,
रिकॉर्ड था, इस गांव ने सब में रिकॉर्ड किया है। 4,500 लोगों को टूर्नामेंट में खाना खिलाया है। कई अच्छी जगहों पर इन लोगों ने टूर्नामेंट्स देखी है। 13 टूर्नामेंट एक ही सीजन में इसी ग्राउंड पे हुए हैं। ऐसे कई रिकॉर्ड क्रिकेट में इन लोगों ने किए हैं। सबसे ज्यादा इनाम अगर रायगढ़ में किसी ने अंपायर्स को दिया होगा तो इसी गांव का बंदा था, प्रवीण शेठ भाईलमारे। तो हर तरह के रिकॉर्ड क्रिकेट में इनके नाम दर्ज है। हाँ रोहित बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी पाटिल सर अजिंक्य पाड़के युवा नेता तशरीफ लेकर आ चुके हैं राइट आर्म। राउंड द विकेट, बहुत ही बढ़िया खेला गेंद, बाउंड्री के बाहर। कोशिश कारगर साबित नहीं हुई जो की थी विशाल सपकाल ने, लेकिन टोटल आ चुका है 35 रन। सावड़े प्लस तांबाटी एक अच्छी पोजीशन में आ चुकी है। गौरव घोषालकर जानते हैं सावरोली का ये जो वातावरण है कब बदले पता नहीं चलता। ये ऑस्ट्रेलियन इंग्लैंड वाली स्थिति है। कभी आपको नजर आती है पूरी तरह से धूप खिलती है, कभी बर्फ की बारिश। आक्रमण हुआ था क्वालिफाई मैच में वैभव साड़के के ऊपर, लेकिन ये गेंद ऑफ स्टंप के ऐसा लगा मुझे थोड़ी सी बाहर थी, कट करने की कोशिश की, डॉट गेंद आई, डॉट गेंद की वजह से रुकावट टोटल यहीं पे 35 रन। देखिए ओवर नंबर चल रहा है चौथा, यहां से अगर 40 के अंदर रोका जाए तो मैं कहूंगा ये चेसेबल है, लेकिन 42 प्लस अगर ये रन जाते हैं 42 और 47 के बीच तो दूसरे सत्र में परेशानी हो सकती है। और यह नंबर चार या छह, 4 रनों का इजाफा हो चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर। फाइनल एक बाउंड्री के बाहर और टोटल आ चुका है 39। देखिए इस ओवर की अभी भी 4 गेंदे शेष है। टीजे श्रावणी प्रिंसेस गोविंद बैल मारे के कट्टर समर्थक में कहूंगा, अनेश मालकर जी यहां पर आ चुके हैं, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि वो इस मंच पे आए। रोहिदास तांबड़े देखिए मैच शुरू होने से पहले आए थे और उन्हें टॉस का सम्मान मिला था। एक रन जरूर मिला, लेकिन भाई 40 प्लस होना ही चाहिए, छक्का आता है तो और ज्यादा मजा आएगा। 45 और 50 के बीच अगर रन बनते हैं ना तो सावरोली प्लस सावणी के लिए भी बहुत बड़ा मौका है इस मैच को जीतने के लिए। और यह सीधे बल्ले से खेला, जो मैंने कहा था वैसा ही हो रहा है। लॉन्ग ऑफ के बाहर 6 रन, मयूर मुंडे के बल्ले से फ्रंट फुट पे आके इस गेंद को ड्राइव किया, लॉफ किया था, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर गेंद सीधा चली गई, 6 रन। डीजे श्रावणी वाणीवली प्लस वयाल बनाम असरोडी प्लस धारणी। सागर ओसवाल जिनके फ्रेंचाइजी है असरोडी प्लस धारणी के। देखिए 40 रन बन चुके हैं इस ओवर की अभी भी, दो गेंदे शेष है। गेंद हवा में, कैच लेने की संभावना, छोड़ा कैच, रन बने 47। देखिए 47, जो मैंने कहा था ना 45 और 48 के बीच रन होने चाहिए, 47 तो बन चुके हैं। गौरव घोषालकर थोड़ा सा गुस्से से देख रहे हैं शॉर्ट फाइनल के खिलाड़ी पर, क्योंकि जानते हैं ऐसे सिचुएशन में कैचेस लेना जरूरी है। यहां पे डॉट गेंद लेकर आना होगा गेंदबाज को। राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद हवा में है, कैच होने की संभावना, लेकिन नो मैन्स लैंड एरिया में गेंद गिरी है। 49 रन बनाए जा चुके हैं, 50 की दूरी तय करनी है 24 गेंदों में। टीम वड़वर प्लस सावरोली को, जिनके अगेंस्ट टीम ने पहले बल्लेबाजी की, सावणे प्लस तांबाटी। डीजे श्रावणी जब तक फील्ड से, धारणी प्लस असरोडी बनाम वाणीवली प्लस वयाल। इस इन दोनों टीमों के कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है,
इन दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, आखिरी क्षणों में क्या बल्लेबाजी की मुंडे मयूर मुंडे ने। सन्मान यावर जी पाटील आणि सचिन जी पाटील यांना ही विनंती असेल की आपण ही व्यासपीठावर यावं। संदीप पाटील एसपी एंटरप्राइजेसचे मालक चामुणे यांना ही विनंती असेल की आपण ही व्यासपीठावर यावं। देखिए 49 रन बन चुके हैं, 50 रनों को बनाना है। सावरोली की रन मशीन और डायनामाइट चले तो यह आसान है घरेलू मैदान पर। सन्माननीय प्रसाद जी तटकरे साहब यांना ही विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं। आता चावणेतील प्रतिष्ठित मंडळी आपल्याला व्यासपीठावर येताना दिसतेय। हाँ देखिए मंगेश बादल इनका पद है उपशाखा प्रमुख, बराबर ना। सावरोली इनके भाई है, लेकिन देखिए भाई से कंधा मिलाकर ये काम कर रहे हैं, तो दूसरे भाई का नाम लिया तो क्या औहदा है। औहदा बड़ा, औहदा इसलिए बड़ा नहीं होता, आप राम लक्ष्मण की जोड़ी है, जो राम का औहदा है वो लक्ष्मण को ही मिला, लक्ष्मण को भी मिला है रामायण में। राकेश जी बादल यहां पर आ चुके हैं, मैंने देखा था पूरा हिसाब था उनके पास, जो हमारे सांसद थे गजानन कीर्तिकर साहब उनके सम्मान में जो क्रिकेट रजनी थी उस रजनी का पूरा लेखा जोखा हिसाब किताब राकेश जी बांदल के पास था, यानी कि सीए थे उस टूर्नामेंट के, चार्टर्ड अकाउंटेंट। समीर सोमड़े भी यहां पर आ चुके हैं, अगले मैच में तुषार धुमाल से वो जरूर जुड़ेंगे। लेकिन 50 की दूरी तय करनी है, तमाम दर्शकों का फिर से एक बार मैं स्वागत करना चाहूंगा। गौरव घोसाळकर और अंकुश साळगे, सागर पाटिल देखिए व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए इस प्रतियोगिता को देख रहे हैं। देखिए शर्ट भी उन्होंने निकाला अपनी गोल्ड चैन दिखाने के लिए, गोल्डन मैन कहने के लिए। सागर पाटिल व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए इस प्रतियोगिता को लाइव देख रहे हैं, उनके बेटे भी इस प्रतियोगिता को देख रहे हैं। बेटे को भी मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा, आने वाले जीवन में वो एक अच्छा क्रिकेटर बने। ऑर्गेनाइजर है इस प्रतियोगिता के, युवा नेता द्वारा हमें जो खातिरदारी की अपेक्षाएं थी वो हो नहीं रही है। टूर्नामेंट का तीसरी रात भी आ चुकी है। रामदास शेठ पवार, पवार का पावर कहां गया। हाँ 10:10 के बाद यह पावर शुरू हो जाती है रामदास जी पवार का। तो चलिए मैच की तरफ हम चलेंगे। रन बने 49-50 की दूरी तय करनी है, लेकिन मिस्टर डायनामाइट का फटना जरूरी है। ये अगर फटते हैं तो अच्छे अच्छे गेंदबाजों को तहस नहस करने की ताकत रखते हैं। गौरव को सालकर देखिए, इस युवा ने जब शुरुआत की थी, इनका मैंने एक मुकाबला देखा था, 15-16 साल की उम्र में इन्होंने क्रिकेट में शुरुआत की थी। आज छोटी सी उम्र में ये रायगढ़ प्रीमियर लीग के आइकॉन भी बने, मेहनत की। और ये हमेशा कहते हैं ना, व्हाट्सएप पर जब भी इनका स्टेटस होता है तो वो हमेशा कहते हैं प्रैक्टिस प्लस इम्प्रोवाइजेशन प्लस टाइमिंग प्लस पावर इज इक्वल टू एक अच्छा क्रिकेटिंग शॉट। हाँ इज इक्वल टू डायनामाइट। पिंटिया पाठारे जिन्होंने हमें गेंदे दी है वो भी यहां पर आ चुका है। राकेश जी बादल देखिए, पिछले साल जो सांसद गजानन कीर्तिकर साहब के सम्मान में जो ट्रॉफी दी उसके कोषाध्यक्ष थे खजिनदार निखिल सावंत। गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे मैन फ्रॉम चावड़े, तेज तर्रार रफ्तार का राजा। पिंटिया पाठारे से गुजारिश करना चाहूंगा कि उनके शुभातो राकेश जी पाटिल साहब का स्वागत किया जाए, सावणे विद्यमान ग्राम पंचायत सदस्य। राइट आर्म ओवर द विकेट, स्लो आर्म की थी वेरिएशन।
बहुत बड़ी सफलता 440 ने मैं कहूंगा 880 वोल्ट का छटका लगा वर्ल्ड वर्ल्ड प्लस सावरोही टीम को। उमेश बैलमर यांना की त्यांनी विश्वाजी पाटील माजी ग्राम पंचायत सदस्य चावणे यांचा सन्मान करायचा। उमेशजी बैलमर यांना विनंती असेल माजी ग्राम पंचायत सदस्य चावणे विश्वाजी पाटील साहेब यांना सन्मानित करायचं आहे। त्यानंतर सन्माननीय एसपी एंटरप्राइजेसचे मालक संदीपजी पाटील देखिए डायनामाइट फटने के बाद रन मशीन दत्ता तांबडे यांना विनंती असेल की संदीप पाटील साहेबांचं स्वागत करायचं आहे। एसपी एंटरप्राइजेस चावणे देखिए कहानी में ट्विस्ट है। गेंदे खेली है मिस्टर डायनामाइट ने 2-0 रन बनाकर वापस आ चुके हैं। क्या गेंदबाजी हो रही है। फुल टॉस किया रोहित पाड़के के सामने आप ये नहीं कर सकते। यह है रन मशीन और रन मशीन को रन बनाने का न्योता नहीं दे सकते आप। अगर इस मैच को जीतना है 50 को बचाना है तो स्लोअर वन की कोशिश में फुल टॉस कर बैठे डीजे श्रावणी। अंपायर देखिए जरा यह है क्या फेयर या अनफेयर बीमर या लीगल। देखिए छक्के के साथ कम बैक कर रही है टीम वर्ल्ड वर्ल्ड प्लस सावरोही। और रोहित ने मुझे कल वचन दिया है कि मेरी बल्लेबाजी इस प्रतियोगिता में देखिए जरूर अच्छी होगी। प्रयास करूंगा मैं बल्लेबाजी को अच्छी कराने का और स्ट्रगल में है पिछले सीजन से उनकी बल्लेबाजी लेकिन कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ाने वाला ये छक्का लगाया है उन्होंने डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। एसपी एंटरप्राइजेस सचिन जी पाटिल संतोष जी बैलमारे इन समय गुजारिश करना चाहूंगा कि एसपी एंटरप्राइजेस के सचिन जी पाटिल इट्स अ नो बॉल 7 रन मिलेंगे अगली गेंद होगी फ्रीहिट। कम बैक गेंदबाज ने खुद वापसी दिलाई क्योंकि नो बॉल करने की जरूरत नहीं थी। यहां पे बीमर फेंकने की जरूरत नहीं थी विकेट निकाला था आपने गौरव घोसाड़कर का। तो सचिन जी पाटिल एसपी एंटरप्राइजेस इनका स्वागत किया जाएगा। फ्री हिट है गेंद है ये एक रन जरूर मिलेगा और इस एक रन के साथ 8 पे बढ़ता हुआ टोटल देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड विराट कोहली का हमने देखा क्लीन बोल्ड हुए थे फ्रीट के ऊपर लेकिन 3 रन दौड़े। समर्थ एंटरप्राइजेस चावणे के प्रोपराइटर सचिन जी पाटिल साहब का भी सम्मान किया जाएगा। मैं रोशन पाटिल से गुजारिश करना चाहूंगा यह सिंगल चुराने के लिए है ज्यादा परेशानी नहीं करनी पड़ी थी दोनों बल्लेबाजों को अंकुश और रोहित को। टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 9 रन 50 का पीछा करना है कंपलसरी चेसिंग इस प्रतियोगिता का नियम। आज का हाफ है 2 गांव एक टीम एक तरफ वर्ल्ड वर्ल्ड प्लस सावरोही दूसरी तरफ चावणे प्लस तांबाडी। इस वक्त गेंदबाजी हो रही है चावणे की गेंदबाज निखिल सावंत की शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी और बिल्कुल सही कहा था सिद्धू ने जब तक रन मशीन का स्विच हिट हम देखते नहीं उनके बल्लेबाजी का कॉन्फिडेंस हमें नजर नहीं आएगा और वो तुरंत उन्होंने दिखाई नंबर मिला 4 डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। ये जो मैच मुझे ऐसा लग रहा था कि आसानी के साथ डायनामाइट के आउट होने के बाद टेंशन में लेकर आएगी टीम सावणे प्लस तांबाडी वर्ल्ड वर्ल्ड प्लस सावरोही को लेकिन काबिले तारीफ बल्लेबाजी हुई है। बीमर पर 6 आया उसके बाद यह बाउंड्री और यह नो बॉल। देखिए एक ओवर स्टेप का नो बॉल होगा यह अंपायर ओवर स्टेप ना हाँ ओवर स्टेप का नो बॉल।
सन्माननीय गोपाल जी खाडे यांचं स्वागत या व्यासपीठावर केलं जाईल. मी रोशन पाटील. समर्थ एंटरप्राइजेसचे सचिनजी पाटील यांचंही स्वागत केलं जाईल. मंगेजी बांद्याल उपशाखा प्रमुख. फ्री हिट की है गेंद थी लेकिन अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा. फ्री हिट रहेगी जारी. देखिए शुरुआती जो दो गेंदें थी वो थी चावड़े प्लस तांबाडी के लिए गेंदबाज की, क्योंकि उसमें गौरव घोषाल कर आउट हुए थे. शुभम चौगुले इनकी तरफ से रोहित पाड़गे के लिए 3 बाउंड्रीज 3 छक्कों के लिए 500 का इनाम. उपशाखा प्रमुख मंगेश जी बादल इनके शुभा तो सम्मान किया जा रहा है. सचिन जी पाटिल समर्थ एंटरप्राइजेस. मिड विकेट पर इस गेंद को खेला था. दूसरा रन चुराने की कोशिश. बेहतरीन रनिंग हमें देखने का मौका मिला क्योंकि डेंजर एंड पे उन्हें दौड़ना था. रोहित पाटिल जिन्होंने हमें मैन ऑफ द सीरीज के लिए साइकिल प्रदान की है उनकी तरफ से भी इनाम आ चुका है. रोहित पाड़गे अगर लगातार 3 छक्के दागते हैं तो 1000 रुपए का इनाम है रोहित पाटिल द्वारा जिन्होंने मैन ऑफ द सीरीज की बाइसिकल हमें दी है. बंकेच बांदल यहां पर आ चुके हैं. उनके श्री 11 सावरोड़ी भी झेड़पी प्रीमियर लीग में खेलती भी नजर आएगी गौरव घोसाड़कर की कप्तानी में. हाँ ग्राउंड में देखिए ग्राउंड से जो गाड़ी अंदर जा रही है पहले तो अंदर आप लेकर ही मत जाइए लेकिन ठीक है सामने कई स्टॉल है उनको सामान वामान लेकर आना होगा. नेक्स्ट मैच धारणी प्लस असरोडी बनाम वाणीवली प्लस वयाल. इन दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि 2 मिनट के अंदर आपको टॉस के लिए आना है. विनर वर्सेस विनर है ना मैच फॉर्मूला. तो देखिए यहां से जीतने वाली टीम को मैदान नहीं छोड़ना है कोई भी हो चावड़े प्लस तांबाटी हो या फिर वड़वल प्लस सावरोड़ी हो. गेंदबाज केतन मुंडे लेकिन टोटल आ चुका है स्कोर बोर्ड के ऊपर 17 रन. क्या शुरुआत हुई है. 33 रनों की अभी भी जरूरत है बची हुई 18 गेंदों में. 11 के औसत से इन रनों को बनाना होगा. रोहित पाड़गे अब नॉन स्ट्राइकर इन पर है. स्ट्राइकर इन पर अंकुश लेकिन देखिए रोहित पाड़गे ने कहा भाई जाने दो लेकिन अंकुश ने जाने नहीं दिया. व्हाइट बॉल का 1 रन मिलता लेकिन यहां पर मिले स्क्वायर कट के जरिए थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन. निश्चित तौर पर कुछ ही पलों में यहाँ पर फक्त शिवसेना श्वासात भगवा हृदयात भगवा आणि हे भगवा वातावरण आपल्याला मैदानावर पाहायला मिळतंय. केतन मुंडे की इस गेंद को देखिए स्टेप आउट करके इस गेंद को स्लॉग किया था डीजे.
हाँ देखिए, दोनों टीमें अगर समय पर नहीं आई तो ऑर्गेनाइजर्स ने मुझे सूचना दी है दोनों तरफ की तीन तीन गेंदें कम की जाएगी, 3.5 ओवर का मैच भी हो सकता है। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला लेकिन लॉन्ग ऑन के ऊपर खिलाड़ी तैनात, रन मिलेगा। एक एक से बढ़ता हुआ टोटल 32-18 की जरूरत। रोहित पाड़गे काफी अच्छा खेल रहे हैं, मैच विनिंग रन मशीन इनके क्यों कहा जाता है उसको साबित कर देने वाली बल्लेबाजी हो रही है। शुभम चौगले करेगी भाई मारो 3 छक्के। एक रन तो जरूर मिलेगा। गेंद अंदर की तरफ आई, स्लॉग स्वीप करने की कोशिश की थी, दोनों तरफ से टर्न कराने में माहिर, मैदान के अंदर लेकर जाइए पानी। देखिए धारणी और असरोड़ी जो प्लस टीम है उनके कप्तान आ चुके हैं, वाणी हाँ। प्लस वयाल तो अभी पाटिल सर कुछ बोलना चाहेंगे, अभी सर बोलिए। मैं विनंती करेन राकेश जी पाटिल चावणे ग्राम पंचायत विद्यमान ग्राम पंचायत सदस्य यांच्या हस्ते शुभ हस्ते हा टॉस या ठिकाणी आजच्या या तिसऱ्या रात्रीमधला टॉस या टॉस बॉक्स वरती घ्या जाईल। दोन्ही संघांच्या कडून आपण टॉस बॉक्स वरती यायचे। और जिस पावर के पावर का हमें इंतजार था, 10:10 के बाद यह पावर एक्टिवेट होता है। रामदास पवार दिलदार हस्ती है सर। या ठिकाणी टॉस होते है दोन्ही संघांच्या दरम्यान। राकेश जी पाटील चावणे ग्राम पंचायत विद्यमान सदस्य यांच्या शुभ हस्ते हा टॉस या ठिकाणी खेळला जातोय। दोन्ही संघांचे कर्णधार ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला बॉलर्स ने प्लीज भावेश ठाकुर। तो ये छावणे के गेंदबाज अब गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे, यानी कि आखिरी वाला जो गेंदबाज होगा वो होगा तांबाटी का। देखिए बिल्कुल सही समय पे मैचेस शुरू हो रहे हैं, ड्यू फैक्टर के कारण सभी टीम जो कोऑपरेट कर रही है। धारणी संघ टॉस विन झालाय, जो काही निर्णय असेल तो निर्णय लगेच आमच्यापर्यंत त्वरित पोहोचवायचे। यस सर। अभी पाटील सर देखिए निखिल नथुराम बैलमारे की सोच देखिए, प्लांट दी है उन्होंने क्योंकि कोरोना की वजह से ऑक्सीजन ना मिलने के कारण कई लोगों की मौत हुई थी। क्या सोच है निखिल नथुराम बैलमारे की। सागर ओसवाल जो इस टीम के फ्रेंचाइजी है धारणी प्लस असरोडी के, लेकिन ये सोच जो थी ये प्रोडक्शन है घोड़ीवली के रोहन पिंगड़े और मुन्ना पिंगड़े। और जब हम खड़े हो हमारे पीछे खड़े होते, यह दिखाने वाली यह दर्शाने वाली बल्लेबाजी हो रही है। रोहित पाड़गे रन मशीन सवरोड़ी। अरे बालू बैल मारे यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा तीसरी और चौथी रात, ये रात हम आपको खुश करेंगे। लेकिन रोहित पाड़गे क्या बल्लेबाजी हो रही है, कितना नंबर ये अंपायर द्वारा बताना जरूरी है। 4 रन आए लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, रोहित पाड़गे खेल रहे अपने निजी 25 के योगदान पर। एक मैच विनिंग पारी जो देखना चाहता था, एक रन मशीन से गांव वाले भी देखना चाहते थे, उनके जो फैन फॉलोअर्स है गौरव मैच में थे तब भी उन्हीं के ज्यादा थे इस गांव में, क्योंकि और आज भी है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हेनिकेन नाम काफी बड़ा होता है टीम का टोटल।
गौरव घोसालकर भी रोहित पाड़के के फैन है, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। चार रनों की जरूरत है, गेंदे बची है, 6-46 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, लेकिन मैच देखिए, क्रिकेट है, अनिश्चितताओं वाला खेल। इसी तरह पल्ली के मैदान के ऊपर तांबाटी ने एक मैच को निकाला था लेफ्ट आर्म बॉलर प्रवीण की वजह से, आज भी मुझे वो मैच पाड़ गए। क्या बल्लेबाजी की, इंतजार इंतजार की घड़िया खत्म हो चुकी है, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं तारीख पे तारीख तारीख। तो आदमी उठता नहीं बल्कि उठ जाता है। तो वो तारीख समाप्त हुई एक अच्छी इनिंग की, 3 रनों की जरूरत, हल्के हाथों से इस गेंद को खेला खराब शॉट, 4 गेंदे अब 3 रन, स्विच इट खेलते तो भी चलता जो उनका फेवरेट है, 4 गेंदे 3 रन। देखिए मैच कभी भी फंस सकता है, कैप्टन कुल केतन मुंडे जानते हैं, ऐसी सिचुएशन को इन्होंने कई बार हैंडल किया है, कई बार तंबाडी के इस कप्तान ने। 4 गेंदे 3 रन, मुझे लगा कि राज घोसालकर को भेजा जाएगा, महज एक फटके की बात थी। राज घोसालकर कल सावरोड़ी की कप्तानी कर रहे थे, एक गांव 11 खिलाड़ियों की जो टीम थी, वैभव इस टीम के हार्दिक पांड्या जिन्हें माना जाता है, वो मैदान के अंदर जा रहे हैं। हाँ सही है, नंबर 2 वाला ओवर अगर कल रात वैभव करते तो अलग बात थी, लेकिन यहां पर इस मैच के ऊपर हम फोकस करेंगे। 4 गेंदे 3 रन, अंकेश तांबड़े इस टीम के कोच बताते हुए रोहित को कि इतना अच्छा खेले तो मैच फिनिश करके आपको आना था। एक रन तो जरूर